बांध के उस पार भी पानी लगा हुआ है, जिससे किसानों को बड़ी मुश्किल हो रहा है कि फसलें नष्ट हो जा रही हैं। अब बात करते हैं ये पुलिया की, ये पुलिया है और पीछे भी पानी लगा हुआ है, फसलें यहाँ पे नहीं हैं, अगर होंगी भी तो नष्ट हो जाएं क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि हमेशा पानी भरा रहता है। तो हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, हैं तो बहुत सारे लोग लेकिन ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये पुलिया बनने के बाद या बनने से पहले क्या क्या दिक्कतें होती थी, अब क्या सही हुआ है। दिक्कतें थी पहले तो बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि यहाँ पर गांव के सभी लोग यहाँ पर अपने खेत बाड़ी पे जाते थे, तो यहाँ पर उनकी मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं निकलती थी, वो घूम फिर कर आते थे जहाँ भी, बहुत समय लगता था। लेकिन पहले जितनी सरकारें आई यहाँ पर, पहले कभी पुलिया वुलिया नहीं बनी है, ये पहली बार बनी है, हमारे ग्राम प्रधान जी ने बनवाई है और पहली बार बनवाई है यहाँ पर। अच्छा, पहले जो वाले जो प्रधान थे उससे आपने मांग नहीं की थी या फिर उन्हें कहने के बाद भी नहीं बनवाया? मांग तो मतलब बहुत की थी, सब पूरा गाँव मांग करता था, लेकिन यहाँ पर नहीं कुछ हुआ। ये अभी पुलिया कंप्लीट हो चुकी है या फिर इतना ही बननी है? हाँ, ये पुलिया तो कंप्लीट है, मतलब इसमें कुछ और बस होगा, लेकिन वहाँ वाली नहीं है अभी कुछ भी, वहाँ नहीं। तो आप लोग को आने जाने की सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी जो कि अब सही हो चुकी है? हाँ, दिक्कत तो यहाँ पर सही हो गई है, लेकिन अब कुछ नहीं, मिट्टी भी नहीं पड़ी, अभी तो खड्डे खुड्डे रह रहे हैं। अच्छा, अभी खड्डे खुड्डे हम दिखाना चाहेंगे कि पुलिया की बात चल रही है, गाँव का बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आने जाने में समस्या होती है, लोग अपने खेत खलिहान नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से अब ये पुलिया बन चुकी है। अब इसे लोगों को इससे काफ़ी सारी सुविधाएं मिल रही है, लोग बाइक से भी आ जा पा रहे हैं, बैलगाड़ियाँ भी लेके आ जा रहे हैं, प्रधान जी ने इसे बनवा दिया है। और कुछ युवा आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? क्या आपको आपको भी पुलिया से इस यहाँ आने में जाने में दिक्कत होती थी? जी बिल्कुल होती थी, सभी को प्रॉब्लम थी, पूरे गांव को प्रॉब्लम थी। इतने बड़े गांव में क्या सिर्फ पुलिया और बांध की ही प्रॉब्लम, इससे आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी भी बांध से प्रॉब्लम है, हम तो चाहते हैं कि हमारी गंगा की पायलट हो तो अच्छा है। नहीं, जैसे कि ये तो हो गया किसानी, खेती बाड़ी के लिए जो जिससे जीविका चलती है उसके लिए समस्या होगी, क्या पूरे गांव में आपके इस धनोरा या फिर कौन सा गांव है यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है, बाढ़ और पुलिया बांध, इसके अलावा भी कोई परेशानी है? यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत परेशानी है, फसलों की परेशानी है, खाने जाने की। फसलों के अलावा और कौन सा मुद्दा है? ज्यादातर तो यहाँ पे फसलों की प्रॉब्लम है, और सड़कों हमारी ये पुलिया बन जावे और इससे पल्ली तरफ को पक्का हो जावे तो ये भी मतलब गवर्नमेंट का बढ़िया हाथ रहेगा। अच्छा, हाँ, और नहीं सारे में कच्चा अभी गाड़ी लेकर आमे तो इतने इतने गारे में लेकर ना पड़ता, ढोर जो डंगर होता है कटरा हो या बैल हो वो भी गिर जाता। क्या सिर्फ आप खेती बाड़ी के अलावा जो लड़कियों की परेशानियां होती हैं, महिलाओं की होती है या बेरोजगारी किसी भी प्रकार की और परेशानियां की भी प्रॉब्लम है यहाँ? बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पढ़ाई कहाँ तक? चाहते हैं कि सरकार हमें रोजगार दे, अच्छा दे। नहीं, रोजगार तो बहुत सारे दी है, रोजगार का मतलब है कि ये हम खुद भी बिजनेस कर सकते हैं। रोजगार अभी आंगनबाड़ी की भर्ती निकली थी, वो भी हमारे गांव से काट दी गई, हमारे गांव में तो उसकी सूची खत्म कर दी। अच्छा, तो ये फिर यहाँ के लोगों की गलती है, आप सरकार को इसमें गलती देना चाहेंगे क्या? हाँ, सरकार की गलती है इसमें। अच्छा, पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में आप किसको पसंद करते, कौन से नेता को? नेता तो बहुत है, किसे किसे बताऊं? नहीं, नेता बहुत है, आप किसको पसंद करते हैं? हम तो उसे पसंद करेंगे जो हमें रोजगार देगा, हमारे हमारे कामों में विकास करेगा, हमारे क्या जाति की तरफ आपका जाति की तरफ आपका झुकाव नहीं होगा कि मेरी पार्टी बीएसपी है, मेरे युवाओं की पार्टी एएसपी है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी तो जाति से क्या मतलब, हमें तो अपना काम चाहिए। अच्छा, आपको जाति से मतलब नहीं? अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, अन्याय करेगा, तो उसमें हमें प्रॉब्लम है, उसके साथ हम ऑब्जेक्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए ठीक है, मुद्दे कई सारे हैं लेकिन इस गांव में जो उभर के आया है वो एक ही मुद्दा नजर आ रहा है, पानी, बाढ़, बांध, पुलिया। क्या युवा का भी यही मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये परेशानी दूर हो जाए, क्या और कोई परेशानियां नहीं? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बेरोजगारी की वजह क्या, अशिक्षा है या फिर यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्रीज है बनाई हुई और ना कोई यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है जिससे बच्चे ठीक तरह से पढ़ सकें, सब प्राइवेट कॉलेज है। नहीं, कंपटीशन की बात करें क्योंकि नौकरी जो सरकारी नौकरी मिलती है अब तो कंपटीशन का जमाना हो गया है। कंपटीशन कोचिंग सेंटर यहाँ इतने नहीं है क्योंकि यहाँ बच्चे अशिक्षित हैं, जब वो अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो कंपटीशन भी तो तभी जाएंगे। कंपटीशन का काम बात का होता है, पहले उसे इंटर लेवल तक करनी पड़ती है या ग्रेजुएट होना पड़ता है, यहाँ ना कोई ग्रेजुएट
ग्रेजुएट कॉलेज है, ना इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले यहाँ कॉलेज और इंडस्ट्री की सुविधा होनी चाहिए जिससे यहाँ के युवा रोजगार पा सके। तो आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन करना भी मुश्किल हो जाता है। जी, मैंने ग्रेजुएशन बिजनौर जिले में पढ़ता है, दरबार डिग्री कॉलेज है जी। तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ आने जाने में काफ़ी खर्च करना पड़ता है जिससे बेरोजगारी के साथ गरीबी बढ़ती चली जाती है। मतलब ये एक और भी मुद्दा है शिक्षा का, शिक्षा का जो अभाव है वो स्कूलों की वजह से, कॉलेज की वजह से नहीं हो पूरा हो पाता है। तो इसके भी इसमें हमारे घर वालों की भी कुछ कमी रह जाती है। पहला ये है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो ठीक तरह शिक्षा नहीं कर पाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है तो भी शिक्षा नहीं हो पाती है। पहले बात कानूनी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए जिससे बहू बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसमें लापरवाही गवर्नमेंट की और न्याय मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की होती है। अगर कार्यपालिका ठीक तरह से सतर्क रहने के लिए न्यायपालिका कहती है तो न्यायपालिका अपने नियम ढंग को ठीक तरह से लागू कर देती है तो ज़्यादातर सुरक्षा के संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, तो सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं जी। तो इसको कौन दूर करेगा, किसकी सरकार में ये चीज़ें संभव हो सकती हैं? जो नियम कानून संवैधानिक को ठीक तरह से मानता हो और जो किसी जाति धर्म विशेष को प्रतिज्ञा ना देता हो, मतलब ठीक तरीके से हम कहें तो एक ऐसा राजनेता जो किसी धर्म या जाति को पक्ष नहीं, नहीं, ये तो सारे नेता जब आते हैं, जब ये चुनाव में उतरते हैं तो सारे कोई ना कोई मुद्दे लेके उतरते हैं और ये धर्म के पीछे ही तो ज़्यादा जातिवाद करते हैं। तो इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए कि कौन नेता। क्या आप जागरूक हैं? जी बिल्कुल हैं। जागरूक है तो आप जागरूकता का कैसे लाभ उठाएंगे? जागरूकता का लाभ उठाने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कौन हमारे लिए भविष्य में कुछ कर सकता है, उसे वोट देंगे। चलिए, धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।